Sala. Last class में negation, देखा था whatever statement था, फिर उसके बाद में क्वेश्चन खत्म हो गया था। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, देखते क्या दिया आगे क्वेश्चन में। Exercise 1.3 question number 4। देखिए question कुछ इस प्रकार है, write converse, inverse and contrapositive of the following statements। नीचे दिए गए statements का converse, inverse and contrapositive आपको लिखना है, ठीक है? कैसे लिखेंगे? पहला statement देखते हैं। पहला ये एक्सरसाइज 1.3 है जिसका क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है इफ एक्स इज लेस देन वाई देन एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर। ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है। 3 मार्क्स के लिए बोर्ड्स के अंदर पूछते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में एक ही चीज पूछेगी कि भैया इस पे इनवर्स लिखिए, इस प्रकार से। तो अब सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको वर्बल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है? तो सॉरी वर्बल नहीं, दिया हुआ ही वर्बल फॉर्म है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो लेट पी डिनोट, पी क्या डिनोट कर रहा है? पहला स्टेटमेंट क्या है, एक्स इज लेस देन वाई, इसको पी से डिनोट करते हैं। एंड क्यू डिनोट्स एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, देन देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म फॉर गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट या स्टेटमेंट इज क्या हो जाएगा, पी इंप्लाइज क्यू। नाउ नंबर 1 कॉनवर्स, कॉनवर्स इज क्यू इंप्लाइज पी, दैट इज अगर क्यू इंप्लाइज पी दिए गए स्टेटमेंट का कॉनवर्स है तो वर्बल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? If के बाद में Q वाला स्टेटमेंट आएगा कॉनवर्स लिखते समय, तो क्या लिखेंगे? कॉनवर्स इज Q इंप्लाइज P, दैट इज इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर देन एक्स इज लेस देन वाई। पहले कौन आ रहा है कॉनवर्स में? Q आ रहा है, और बाद में कौन आ रहा है? P आ रहा है। तो कॉनवर्स में क्या हो जाता है, अदला बदली हो जाती है, ठीक है? जो भी स्टेटमेंट दिया है उसका कॉनवर्स लिखना, मतलब क्या स्टेटमेंट की अदला बदली। अब दूसरा कॉनवर्स इनवर्स, इनवर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज क्या करते हैं हम लोग इनवर्स में, निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन क्यू। स्टेटमेंट जैसे है उसकी जगह वही रहेगी, लेकिन दोनों का निगेशन आएगा और इंप्लीकेशन वाला स्टेटमेंट बन जाएगा। तो वो क्या होगा, दिए गए स्टेटमेंट का इनवर्स हो जाएगा, ठीक है? हाँ, तो कैसे लिखेंगे फिर इसको, दैट इज वर्बल फॉर्म में कैसे लिखना होगा इसको? दोनों फॉर्म में लिखना होगा आपको। आपने सिंबॉलिक फॉर्म लिख दिया आपके कन्वीनियंस के लिए, लेकिन मेनली आपको पूछा है वर्बल फॉर्म में, तो वर्बल फॉर्म में आपको कॉनवर्स इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखने पड़ेंगे। तो इनवर्स क्या हो जाएगा, दैट इज वर्बल फॉर्म में क्या हो जाएगा, पी का निगेशन x square is less than y square, तो इसका negation क्या होगा, x square is if x square is not less than y square, यहाँ आपने negation लिख दिया। then q का भी negation लिखना है, then q क्या है आपका, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? हाँ, मैंने इसको देखा, इसको देखना चाहिए, इसको देखना चाहिए, इसको है ना। हाँ, तो p का negation, p क्या है मेरा, x is less than y, तो if x is not less than y then क्यों क्या है उसका निगेशन, x स्क्वायर इज नॉट लेस देन y स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, इनवर्स। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में दोनों स्टेटमेंट का निगेशन तो होता है लेकिन उल्टा करके लिखते हैं हम लोग। तो नंबर 3 में होगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज negation q implies negation p।
एंड दैट इज वर्ब और कॉमा कैसे लिखेंगे, निगेशन क्यू। क्यू क्या है ये, तो इफ x स्क्वायर इज नॉट लेस देन y स्क्वायर देन x इज नॉट लेस देन y। तो किसी भी स्टेटमेंट का कॉन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रा कॉन्वर्स कैसे लिखा जाता है समझ में आया। चलिए अब ये लिखने का तरीका है, अब हम लोग आगे का देखते हैं नंबर दो वाला। अब ये दो और ये कैसे, चलो ठीक है। सेकंड में क्या लिखा है, ए फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमन इन इट इज लिटरेट। क्वेश्चन है मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट है, ए फैमिली बिकम्स लिटरेट लिटरेट इफ द वुमन इन इट इज अब इस सेंटेंस के लिए आपको कॉन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव लिखना है। तो सबसे पहले एक कंडीशनल स्टेटमेंट होना चाहिए, ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि देखिए तो लॉजिकल कनेक्टिव क्या है, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमन इन इट इज लिटरेट। अब इसके अंदर इफ के बाद वाला स्टेटमेंट मतलब एक्चुअल में क्या हुआ, इसमें पी कौन सा होगा, इफ के बाद का, इफ के बाद वाला मतलब क्या किया उन्होंने, देन देन के बाद का स्टेटमेंट जानबूझ के पहले दिया है। आ रही बात समझ में, यहाँ पर आपका इफ है और यहाँ पर देन होना चाहिए। इफ द वुमेन इन फैमिली इज लिटरेट देन ए फैमिली बिकम्स लिटरेट। ये तो सही भी है, मुलगी शिकली प्रगति जाली स्लोगन भी है ना, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे इसको, लेट पी डिनोट्स पी वुमन इन फैमिली इज लिटरेट एंड क्यू फैमिली बिकम्स ये बात समझ में आनी चाहिए यहाँ पर। ऐसे नहीं कि उठा के इसको पी बोल दिया इसको क्यू बोल दिया फिर कॉन्वर्स इनवर्स सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, क्योंकि आप पी किसको एज्यूम करते हो क्यू किसको एज्यूम करते हो उसी के ऊपर आपका कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव सब डिपेंड होता है। आपने दो स्टेटमेंट उल्टे चुन लिए कि आपका सारा आंसर गलत होना है। आ रही बात समझ में, हाँ। तो फिर देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, फिर सिंबॉलिक फॉर्म फॉर गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज पी इंप्लाइज क्यू। तो इसका कॉन्वर्स क्या बनेगा, q implies p, inverse क्या हो जाएगा, negation p implies negation q, and contrapositive क्या बनेगा, negation q implies negation p। तो आपको इसका verbal form बताना है, q implies p मतलब क्या लिखेंगे, if a family becomes literate, then the woman in family is literate। फिर negation p implies negation q मतलब क्या, p का negation लिखना है, p का यहाँ देखना है, the woman in family is not literate, if the woman in family is not literate, then family illiterate does not become literate, ठीक है। और negation q implies negation p, आई बात समझ में। थर्ड वाला बड़े ज्ञान वाले स्टेटमेंट दे रखे इस क्वेश्चन के अंदर, क्या है आगे, द सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन द प्रेशर इंक्रीजेस, इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस। ये तो सत्य वाली बात कही है ना, तो बस फिर वही है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस इसको बोल दो P, देन के बाद का जो है इसको बोल दो Q, और रेस्ट आपको पता है फिर कैसे लिखना है। आएगी बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस,
ये भी सही है बराबर। वोल्टेज वोल्टेज इंक्रीजेस देयर करंट डिक्रीज। वोल्टेज क्या है सर? पोटेंशियल पोटेंशियल में डिफरेंस है सही है। वोल्टेज क्या है सर? एबीसी वर्ड में है वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस। हां तो वोल्टेज करंट जास्त फ्लो होतो वोल्टेज पाठवतो वोल्टेज इंक्रीज झालं वोल्टेज वाढलं तर करंट डिक्रीज होतो का? हां नाही तर ते करंट तो पुन्हा तर वोल्टेज पाठवतो। काय बोलतो ते एसन वाटे डिपेंड करतं बघाव द्या। याचा अर्थ जरी नाही कळला आपल्याला तरी आपलं काम भागतंय हे मला सांगायचं होतं। तुम्हाला करंट काय माहित नाही व्होल्टेज काय माहित नाही फक्त तुम्हाला हे माहिती की हा भैया आणि हा भैया लॉजिकल कनेक्टिव्ह आहे आणि याच्यामध्ये जे काही फेकून मारले तुम्हाला ते फक्त ॲज अ स्टेटमेंट घ्यायचंय आपल्याला कळतंय का? मग याचं हा काय झाला व्होल्टेज इंक्रीज पी आणि हे क्यू तिकडे जळू द्या मारू द्या व्होल्टेज इंक्रीज डिक्रीज काही कळतंय का? एकाला पी म्हणलं क्यू म्हणलं म्हणजे स्टेटमेंट काय झालं पी इम्प्लाईज क्यू। याचा कॉनवर्स काय असणार आहे उलट करून लिहायचं इनवर्स काय असणार आहे आहे तसंच निगेशन मध्ये लिहायचं आणि कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह काय असणार आहे तीन मार्ग विचारतात किती वेळेस विचारले। हा आता क्वेश्चन नंबर फोर आणि इथं आपली संपलेली आहे एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.3 बरोबर आहे बर। आता आपल्याला काय करायचंय एक्सरसाइज 1.4 पाहिजे। एक्सरसाइज 1.4 पाहण्याच्या पहिले आपल्याला काही नियम समजून घ्यायचे ज्याला अल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स म्हणण्यात आलेले आहे ठीक आहे। अल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट म्हणण्यात आलेले ह्याच्यातले 3 ते 4 नियम असे आहेत की जे तुम्हाला थोडस लक्षात ठेवायला मेहनत घ्यावी लागणार आहे बाकी तुमच्यासाठी ट्रिव्हियल आहे आणि हे नियम जे आहेत हे नावं सगळं ह्याच्यासाठी लक्षात ठेवावं लागतात कारण की ह्याच्यावर प्रश्न बोर्डात विचारलं तर 3 ते 4 मार्कला विचारतात आणि तुम्ही रिझन नाही लिहिलं आणि सगळं क्वेश्चन जरी सॉल्व्ह केलं तर तुम्हाला अर्धा मार्क देऊ शकतात नाही म्हणून जाऊ दे एवढं लिहिले बाबा अर्धा मार्क ते काही अर्थ आहे त्याला थोडीशी मेहनत घ्यावी लागेल तुम्हाला आणि रुल्स मी समजून सांगेल थोडंसं वारंवार वाचले की तुम्हाला लक्षात राहून जाईल त्याचे नावं काय आहेत आणि ते कसं रूल आहे त्याला वापरायचं कसं। मला एक सांगा आपण ट्रूथ व्हॅल्यू फाइंड आउट केली होती स्टेटमेंट पॅटर्नची। स्टेटमेंट पॅटर्न म्हणजे मोठं कंपाऊंड स्टेटमेंट समजून घ्या बरोबर आहे। त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू आपण कशी फाइंड आउट केली होती ट्रूथ टेबल नाही दिली होती मग बगैर ट्रूथ टेबल वापरता सुद्धा तुम्ही त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकता कळते का? पण त्याच्यासाठी तुम्हाला मग हे नियम माहिती असणं आवश्यक आहे लक्षात येते का? आता आपण शेवटच्या पडावर आहे त्या टॉपिकच्या हे नियम पाहिले आणि स्विचिंग सर्किट्स पाहिलं की हा टॉपिक संपून जातो। ह्या नियम पर्यंतच तुम्हाला जेईचा सिलेबस आहे स्विचिंग सर्किटवाला सिलेबस आपल्या स्टेट बोर्ड आणि सीईटी साठी आहे बरोबर आहे। तिकडं ह्याच्यावरती प्रश्न येत नाही स्विचिंगवरती त्याच्यामुळे आता जे मी नियम शिकवणार आहे त्याच्यावर जे एक्सरसाइज राहणार आहे ह्याच्यावर बेस्टच तुम्हाला जेईमध्ये प्रश्न येऊ शकतात। हा आणखी काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत 2-4 ज्या मी तुम्हाला नंतर सांगेल क्वेश्चन सॉल्व्ह करताना ठीक आहे। चला तत्पूर्वी मी एक फॅक्ट आपण लक्षात घेऊया की तुम्ही ही गोष्ट ऑब्झर्व केली करे की जर आपलं जर एखादं स्टेटमेंट आहे देतो ना दोन स्टेटमेंट आहेत त्यांचे पॉसिबल ट्रूथ व्हॅल्यूज कॉम्बिनेशन पी इम्प्लाईज क्यू माहिती तुम्हाला ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू याचा कॉनवर्स काय असतो क्यू इम्प्लाईज पी पी इम्प्लाईज पी चे ट्रूथ व्हॅल्यूज काय येतील हा क्यू हा पहिले घ्या आणि हा पी पी इम्प्लाईज टी एफ इम्प्लाईज टी ट्रू ट्रू एफ इम्प्लाईज टी टी इम्प्लाईज एफ इम्प्लाईज एफ कुठे चुकीचं बोलले म्हणजे हा जाऊ द्या ना निगेशन पी निगेशन क्यू
चार घंटे में पढ़ने वो आता टीचर भी चढ़ जाता negation p implies negation q mala laise okay chala negation p implies t f implies t t f implies t yeah pause ye bhai the a a kul se sang to dekhta hai p ata ulta hai negation q implies negation याला पहिले कन्सिडर करा आणि याला नंतर एफ इम्प्लाइज एफ टी इम्प्लाइज एफ एफ इम्प्लाइज टी इम्प्लाइज टी माझ्यासाठी मी करून घेतलं माझ्या बसवत होतो एक मिनिटामध्ये हा चला आता काय ऑब्झर्व करायचंय हे ओरिजिनल स्टेटमेंट हा दिस इज ओरिजिनल वर्ड हे आपलं पी इम्प्लाइज टू ह्याचा कॉनवर्स आहे हा याचा इनवर्स आहे हा आणि याचा कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह हा कुठं कुठं काहीतरी समानता दिसते का बघा एखादा स्टेटमेंट कंडिशनल स्टेटमेंट आणि त्या स्टेटमेंटचा कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह ह्यांच्या ट्रूथ व्हॅल्यू बघा हां सेम सेम क्या ये कोई इत्तेफाक है नहीं क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे नहीं नहीं म्हणून आले का हे नहीं जनरलाइजेशन है ना वो आपण काही पर्टिक्युलर केस घेतली का नहीं तो इससे आप लोग इस नतीजे पे पहुंच सकते हो कोई भी स्टेटमेंट कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट एंड उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव आर लॉजिकली इक्विवेलेंट याच्या पहिले काय काय बघितलं आपण कंडिशनल बद्दल की कंडिशनल स्टेटमेंट का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होता है निगेशन पी और क्यू और कंडिशनल स्टेटमेंट का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होता है इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब क्या निगेशन क्यू implies negation राईट लक्षात महत्त्वाचं बघा एका पेपर मध्ये डायरेक्ट विचारलं होते डायरेक्ट दोन मार्काला कळते का म्हणजे डायरेक्ट ह्याचं लॉजिकल इक्विवलेंस काय आणि असे तीन चार ऑप्शन दिले होते त्यात हा एक ऑप्शन होता आता ज्याला माहिती की एखादं कंडिशनल स्टेटमेंट हा त्याच्या कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह सोबत लॉजिकली इक्विवलेंट आहे आले त्याचे दोन मार्क आणि टाइम भी वाचला म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टी त्या माहिती पाहिजे तुम्हाला हा नियम लक्षात ठेवायचा की कंडिशनल स्टेटमेंट लॉजिकल इक्विवेलेंस दोन जणांसोबत आहे एक हा आणि दुसरा त्याचा स्वतःचा कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह बरोबर आहे हा हा आता आपण वळूया लॉज कडे हा ज्याला काय म्हटलेले अल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट अल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट म्हणजे बघा अल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट म्हणण्याचं कारण काय आहे बघा अल्जेब्रा ऑफ नंबर्स कशाला म्हणतात रे तुम्ही सुरुवातीला जेव्हा शाळेत गेलो तेव्हा नॅचरल नंबर शिकले आणि अल्जेब्रा ऑफ नंबर्स म्हणजे काय नंबरचे ॲडिशन सबट्रॅक्शन मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन तुम्ही शिकले पुन्हा इंटीजर शिकले अल्जेब्रा ऑफ इंटीजर्स म्हणजे काय त्यांचे ॲडिशन सबट्रॅक्शन मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन पुन्हा नवीन रॅशनल नंबर शिकले पुन्हा त्याचे ॲडिशन सबट्रॅक्शन पुन्हा इरॅशनल नंबर शिकले पुन्हा त्याचे ॲडिशन म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही एखादी नवीन गोष्ट शिकता त्याचा अल्जेब्रा म्हणजे काय त्याच्यावर होणारे ऑपरेशन तसे इथं आपल्यासाठी नंबर्स नव्हते पण इथं स्टेटमेंट होतं ना मग स्टेटमेंटचे आपापसामध्ये डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉज होतो का लागू होतो का कॉम्युटेटिव्ह लॉ लागू होतो का मग कुठल्या ऑपरेशन्समध्ये होतो कुठल्या लॉजिकल कनेक्टिव्हमध्ये होतो कुठल्यामध्ये होत नाही ह्या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये डिस्कस केलेल्या दहा लॉज आहेत दहाच्या दहा महत्त्वाचे काही खूप सोपे आहेत तर काही नावासकट लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे ठीक आहे तर तर याच्यातले जे आता मी काय करतो मी सगळे लॉज लिहितो बरं का मी पाहून लिहिणार त्याच्यावर मला जज नाही करू
कारण मी आहे ना डोक्यात ठेवायचं काम कमी करतो. आपला महत्वाचा मुद्दा असं समजून सांगा मला काही मी 10 मिनिटं म्हणजे आता तुम्हाला सांगत सांगत माझ्या लक्षात राहून जातील पण लगेच 2 दिवसात विसरून जातो मी. कारण तुम्हाला पेपर ज्याला द्यायचा असं त्याला लक्षात ठेवायचं असतं. त्याच्यावर आमचं माप नाही काढायचं आम्ही पाहून लिहितोय तर काय करतोय उगीच मास्तराचं माप काढलेलं असते. तू उगीच म्हणजे काहीतरी असल्याशिवाय थोडी आहे आणि ते मला शॉप करायला आवडत नाही. उगीच घरी बसायचं 4 वेळेस पाठ करायचं तुम्ही शायनिंग आणायचं पोरायचं ह्यांच्या समोर काय मारायची मारायची चालूच आहे समोर मारायची. तिथं मधून दाखवायचं ना आपलं आपलं लो हा काय तिथं दाखवायचं ना नवीन सर समोर दाखवायचं त्यांच्यासोबत डिस्कस करायचे विषय. तुम्ही काय तुम्ही येडे तुमच्या घर करते का तुम्ही आता आता शिकायला तुमच्यावर शायनी याच मारायला नाही पाहिजे शायनी. त्याच्यामुळं मी तुम्हाला जेवढं रिलेट करता येईल ना तेवढं रिलेट करतो. म्हणजे तुम्हाला असं जाणवलं पाहिजे बाय ह्यो करू शकतो तर आपण दबाव बी करू शकतो कळतंय का. ह्या पर्सनॅलिटीला तर मॅच करू शकते आपल्या तर कवा बी कळत बाबा हे तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे. उगा आम्ही तुमच्यापेक्षा लय वेगळे दाखवायचा प्रयत्न केला भाऊ म्हणजे जन्मल्यापासूनच मी मॅथच खातो की मग कार्यक्रम भिनसून जातो पोर नॉट तो हे लय वेगळीकडून आलेलं आहे आपल्याला याचा मिळेल बसला असं नाही कळतंय का. चला पहिलं बघा नावच गाणं आहे आयडियम पोटेंट. आयडियम पोटेंट लॉ पी और पी लॉजिकल इक्वलेंट टू नंबर 2 आहे याचे नतीजे कसे येते ते आपण समजून घेऊन लिहिणार आहे. आणि मी मुद्दाम सगळे लॉ लिहितोय म्हणजे मला त्याच्यातले अगदी जे ट्रिव्हियल लॉज आहेत जे तुम्हाला माहितीच सुद्धा कदाचित असं होऊ शकतं की तुम्हाला त्याचं नाव माहिती नसतं बरोबर आहे की अच्छा तुम्हाला असं वाटत की अच्छा 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 याला असं असं म्हणतात का. हे ट्रिव्हियल जे आहेत ते मला वेगळे करायचे आणि सगळे तुमच्या समोर असल्यानंतर लक्षात ठेवायला तुम्ही काय आयडिया वापरणार काय नाही ते आपलं डिस्कस करायचं. तर पहिल्याचं नाव काय आहे आयडेम पोटेंट लॉ. नावाचा आणि लॉचा तसा सहसा अर्थाशी संबंध नाहीये तसं पाहिलं गेलं तर. नंबर 2 कॉम्युटेटिव्ह. कॉम्युटेटिव्ह नाव ऐकलं कॉम्युटेटिव्ह नाव ऐकलं पी और क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नंबर 2 पी अँड क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट. नंबर 3 असोसिएटिव्ह आणि लिहायला वेळ देणार आहे तुम्हाला मी सोबत बी लिहू शकतो तुम्ही लिहितो ज्या वेळेस बरोबर आहे. असोसिएशन पी और क्यू और आर इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नंबर 2 पी एंड क्यू एंड आर इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव्ह पी अँड क्यू और आर पी और क्यू अँड आर नंबर 5 absorption
कॉम्प्लीमेंट हाँ भैया लक्ष्मी आप इकड़े बघा आतापर्यंत लिहिलं तुम्ही ते ठीक आहे पण आता समजून घेऊन लिहा म्हणजे चुका होणार नाही उगा माझ्याकडे बघत बसले असते म्हणून तुम्हाला लिहा म्हणजे मी लक्षात घ्या तसं लिहिण्याला अडचण येईल समजल्याशिवाय लिहिण्यात तुम्ही काही लिहिता माहिती का आता लक्षात घ्या याच्यामधले काही नियम तुम्ही बघितले इसके अंदर के कुछ रूल्स हमने इससे पहले भी स्टडी कर सकते हैं ठीक है तो देखिए कुछ चीज़ें जो है मैं आपको अलजबरा से रिलेट करके बताऊंगा नंबर्स के साथ में आपने क्या क्या चीज़ देख ली थी ताकि इधर लॉज का नाम और उसके साथ जुड़ा हुआ नियम ध्यान रहने में आसानी होगी आप लोगों को ठीक है आइडम पोटेंट की बाद में बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये जो तीन चीज़ें हैं ये आपने इससे पहले भी पढ़ रखी है कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि अब जो ये कॉम्पिटेटिव लॉ होता है ये कौन से ऑपरेशन के लिए वैलिड होता है हमारे नंबर्स के अंदर अगर देखा जाए तो जैसे एडिशन ये एक ऑपरेशन है और मल्टीप्लिकेशन ये एक ऑपरेशन है इसमें आप दो नंबर का एडिशन कर रहे हो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो इरिस्पेक्टिव ऑफ उनका पोजिशन रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे आप अगर 3+5 लिख रहे हो तो इसका आंसर जो आना है वही आंसर 5+3 का आना है तो इसको कहते हैं कॉम्पिटेटिव लॉ होल्ड करना तो कौन सा ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये ऐसे दो ऑपरेशन है जो कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं मतलब मान कॉम्यूटेटिव लॉ उनके लिए वैलिड है मतलब आप ऑर्डर जो होता है नंबर्स का या जो पोजीशन होता है वो इंटरचेंज भी करते हो तो भी रिजल्ट में फर्क नहीं आता लेकिन यही चीज नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्शन और डिविजन के साथ में लागू नहीं होती जैसे आपने अगर 8/2 लिख दिया तो आंसर होता है 4 लेकिन आपने 2/8 लिख दिया तो आंसर हो जाएगा 1/4 तो डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव बोला जाता है एडिशन इज कॉम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव बट डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव सिमिलरली सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव 8-2 लिखा है तो आंसर है 2 और 2-8 लिखा है तो आंसर है -6 फर्क एक ही दोनों में तो सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो नॉट कॉम्यूटेटिव एंड डिवीजन इज ऑल्सो नॉट कॉम्यूटेटिव तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव है तो जैसे उधर दो ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है दो नहीं है वैसे यहां अगर देखा जाए तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है और एंड एंड देखो अगर आपको रिजेम्बलेंस देखना है ना तो वैसे देखा जाए तो और जो होता है वो एडिशन के साथ रिजेम्बलेंस करता है एंड जो होता है मल्टीप्लिकेशन के साथ में करता है ध्यान में रखने के लिए से. तो क्यों ये बात सही है क्यों अब ऐसा है कि एक और ब्रांच होता है बूलियन अलजेब्रा करके इसके अंदर आपकी ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आती है या फिर आप फिजिक्स के अंदर जब और गेट एंड एंड गेट पढ़ेंगे तब भी आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये और जो है वो एडिशन के साथ में कैसे रिलेट करता है और एंड मल्टीप्लिकेशन के साथ मैंने ऐसे ही बोल दिया ये बूलियन अलजेब्रा करके एक होता है या फिर लॉजिक गेट्स आप पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर नवीन से पढ़ाएंगे आपको तो उसमें और गेट होता है एंड गेट होता है इन दोनों को जोड़ के बनाए गए और भी गेट्स होते हैं भाषा सेम होती है यहाँ पर हम लोग टी एंड एफ यूज़ करते हैं वहाँ 1 और 0 यूज़ किया जाता है ठीक है हम लोग स्विचिंग टेबल्स में भी 1 और 0 का इस्तेमाल करेंगे इनपुट आउटपुट टेबल बोलते हैं उसके अंदर लेकिन ठीक है कोई बात नहीं तो और एंड ये जो दो ऑपरेशन है ये जो दो कनेक्टिव्स है ये दो कनेक्टिव्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं इसका मतलब क्या कि आप P और Q लिखिए या फिर Q और P लिखिए इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं मतलब आप ट्रू और फॉल्स का नतीजा क्या आना है ट्रू ही आना है या फिर फॉल्स और ट्रू का नतीजा क्या आना है ट्रू ही आना है तो और वाले जो लॉजिकल कनेक्टिव है इसमें अगर आप स्टेटमेंट का पोजिशन चेंज कर देते हो तो इससे फर्क पड़ता है क्या नहीं, नहीं पड़ता तो इसलिए और क्या है
और जो लॉजिकल कनेक्टिव है ये क्या है, ये कॉमेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। उसी तरीके से जो एंड है इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एंड जो है ये भी कॉमेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। समझ आ रही है बात? तो ये बहुत सिंपल चीज है ना, लेकिन इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है आपको, तो आपको पता चलना चाहिए कि आपने कॉमेटिव लॉ इस्तेमाल किया गया है। इसके बारे में आपको रिजन में लिखना पड़ेगा। कहते का एसोसिएशन, अब एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि थ्री नंबर से जिनका आप एडिशन कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि आप कौन से क्रम से एडिशन करें। फॉर एग्जाम्पल 3 + 5 + 7 है, ठीक है, आळस येत होतं त्याने आतल्यात पिऊन घेतला आळस, ते घाबरलं त्याला वाटणार आपल्याकडे बघायला, त्याने वाट पाहिली मी दुसरीकडे बघितलं की पटकन देऊन टाकावं पण नाही जमलं ते आपल्याला लक्षात ताट बसतात, तो म्हणजे तू पूर्ण ताट बसला तरी तसा असंच बसल्यासारखं वाटतं तू, बाकी ज्यांना कुतूहल आहे तू कोणाबद्दल विषय चालू बाबा मला एक सांगा, समजा असं केलं तरी आन्सर किती आहे? काही जणांना वाटलं नाही बाबा पहिला मान याचा घे हो, तरी आन्सर 15 ते म्हणतेच ना, छुरा खरबुजे पे गिर्या, खरबुजा छुरा पे कटना, तू खरबुजे करे तसे नाही। मग ऍडिशन आणि मल्टिप्लिकेशन मध्ये तुम्ही हा ब्रॅकेट कुणकडे फिरवला काही फरक पडतो का? नाही पडत। तो इसका मतलब क्या हो, इसको बोला जाता है एसोसिएशन। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये ऐसे दो ऑपरेशन हैं जिनके साथ में एसोसिएटिविटी लागू कर सकते हैं, और वही बात एंड एंड और के साथ में होती है। पर बरेचशा पोरांना डिस्ट्रीब्यूशन आणि एसोसिएशन मतलब फरकच कळत नाही, दोन्हीचा फरक समजून सांगतो। पहिले एसोसिएटिव समजेंगे। एसोसिएशन में होता क्या है, थ्री जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट दिए है, तीनों के बीच में एक ही ऑपरेशन, एक ही कनेक्टिव दिखाई दे रहा है, या तो और दिखाई देगा या फिर एंड दिखाई देगा। तो एसोसिएशन क्या कहता है कि आपने पहले Q और R को निपटा दिया, फिर जो रिजल्ट आया उसको P के साथ निपटा रहे हो, या फिर किसी को मन करेगा कि मैं पहले P और Q को निपटाऊं और फिर आने वाले नतीजे को R के साथ निपटाऊं, तो भी नतीजा सही ही रहने वाला है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है, मतलब पहले इन दो को आपने प्रेफरेंस दिया या फिर पहले इन दो को दिया, इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पर भी वही बात हो रही है, चाहे और हो या फिर एंड हो। अब इस वाले केस में Q एंड R को जिसको ब्रैकेट दिया जाता है उसका पहला प्रेफरेंस होता है ना, तो जाहिर सी बात है कि Q एंड R का आपका पहला प्रेफरेंस है। इसका नतीजा मान लो ट्रू आ रहा है तो उसको आप इसके साथ में फिर एंड के साथ जोड़ के देख रहे हो नतीजा क्या आ रहा है। लेकिन अगर ऐसे किए बिना आप अगर P एंड Q को पहला प्रेफरेंस देते हो, मतलब ये ब्रैकेट इन दोनों के साथ में शिफ्ट कराते हो और फिर आने वाले नतीजों को R के साथ जोड़ते हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ रही बात समझ में? कहते हैं क्या? तो इसको कहा जाता है एसोसिएशन। तो बेसिकली जो आपका और है एंड एंड है, और एंड एंड ये दोनों लॉजिकल कनेक्टिव जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, वो दोनों कॉम्यूटेटिव है, दोनों एसोसिएटिव है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, अगर मैं लिखता हूं एक्स इंटू ए प्लस बी, तो आप इसको कैसे लिखते हो, आप इसको क्या कहते हो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल बाय बायनोमियल कहते हो कि नहीं? बायनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना, और कैसे मल्टीप्लाई करते हो, एक्स ए प्लस एक्स बी। तो यहाँ पर हो क्या रहा है बेटा, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एडिशन नामक ऑपरेशन के ऊपर। सो हम इसको कहते हैं मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। सेम तरीके से मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है सब्ट्रैक्शन के ऊपर। ये लेफ्ट हैंड साइड से हो रहा है, राइट हैंड साइड से भी हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हम ये बहुत सीधे तरीके से कर देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। और कौन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ एंड ऑपरेशन जो है, एंड जो लॉजिकल कनेक्टिव है, दैट इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट ओवर और, या फिर और इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट ओवर एंड। आरी बात समझ में? तो इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें बाहर एक लॉजिकल कनेक्टिव है तो अंदर दूसरा है, यहां अंदर बाहर एक ही है। पहचान कैसी होगी एसोसिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन की? एसोसिएशन में अंदर बाहर एक ही होता है, बस ब्रैकेट को शिफ्ट करते हुआ,
डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, बाहर अगर एंड है तो अंदर और है, और एंड डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके ऊपर, कैसे होगा, पी एंड क्यू एक ब्रैकेट के अंदर, पी एंड क्यू और पी एंड आर जैसे इधर करते हैं हम लोग सेम। तो ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड को किसके ऊपर, और के ऊपर। सिमिलरली नीचे क्या है, और बाहर है एंड अंदर है, तो किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके ऊपर, एंड के ऊपर। तो पी और क्यू एंड पण बऱ्याच वेळेस तुम्हाला एक्झाम्पल मध्ये उलट वापरावं लागतं, असं दिलेलं असताना असं लिहिता आलं पाहिजे। तर पहचान क्या होनी चाहिए, दोनों ब्रैकेट में कौन कॉमन है पी, और दोनों ब्रैकेट में कौन कॉमन है और, तो पी और को आप कॉमन निकाल रहे हो ऐसा फील आना चाहिए, और क्यू एंड आर अंदर चले जाएंगे। इसको ऐसे लिखना आना चाहिए, क्योंकि इसको ऐसा दिया हुआ रहेगा ऐसा लिख पाएंगे तो दिमाग वहां एग्जांपल में आगे कुछ कर पाओगे। तो ये यहां से यहां तो कोई भी जा सकता है, जो उल्टा आ सके उसको ये चीज बहुत अच्छे से दिमाग में बैठती है, समझ लीजिए। करते है का लक्ष देते तर आपल्याला जे पुढे क्वेश्चन सॉल्व करायचे म्हणजे जे मोठा स्टेटमेंट पॅटर्न दिलेला असणार तुम्हाला त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू काढायची विदाउट युझिंग ट्रूथ टेबल, आणि प्रश्न येतो असा, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है की फाइंड द ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट पॅटर्न विदाउट युझिंग ट्रूथ टेबल, तर त्यांना काय म्हणतात आपण ट्रूथ टेबल वापरणार सब्जेक्टिव क्वेश्चन काय लिहिणार आपण बोर्ड मध्ये म्हणते ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं और इतने गंदे होते हैं ना, और ऐसे क्वेश्चन जेई में पूछते हैं मेंस में, क्योंकि वही चार मार्क के लायक क्वेश्चन होते हैं। क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट पैटर्न देते हैं और नीचे चार स्टेटमेंट पैटर्न देते हैं, बताओ इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस किसके साथ है। ट्रूथ टेबल से करना है तो करिए ट्रूथ टेबल, 15 मिनट उसी को लगेंगे करने में, तो जिसको लॉज अच्छे से पता है वो तुरंत लॉज इस्तेमाल करता है, खटाखट खटाखट उसकी हेल्प से करता है। तो सबसे जो वाहियत क्वेश्चन आते हुए वो ऐसे ही आते हैं कि लॉजिकल इक्विवेलेंस देखना है रूल्स का इस्तेमाल करके, आ रही बात समझ में। तो ये कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, ये समझ में आया आपके? तो ये मैं इनको ट्रिवियल लॉज कहता हूँ, क्योंकि इसका रिजेम्बलेंस है आपके अलजेब्रा ऑफ इंटीजर्स से नंबर्स के साथ में, रियल नंबर्स का जो अलजेब्रा हम लोग देखते हैं उसके अंदर भी तो ये प्रॉपर्टीज आती है ना, कॉम्यूटेटिव एसोसिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, बस यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन की जगह और एंड ऑपरेशन आ रहे हैं, तो बात तो सेम है। तो चलो 11 में से 3 तो हमने निपटा दिए, 3 आसान हो गए कि नहीं, रहेंगे याद में, कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव रहेगा याद। हाँ मतलब रिजेम्बलेंस है उसको, मल्टीप्लिकेशन है ना, लेकिन मतलब ऐसा बोल रहा हूँ मैं, अगर आप वो वाला पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बाहर वाला अंदर वाले के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, बाकी ऐसे समझने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है उसका कोई तो मेरी गलती से मुझे निकल गया, उसको पकड़िए मत आप, है ना, क्योंकि जिसकी जरूरत नहीं फिर वो खामखा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। चला ए भैया इसको देखने के, क्विकन मॉर्गन डी मॉर्गन ईआर मॉर्गन ईआर मॉर्गन खेलता था ना, बाहर प्लेयर होता है ना, नहीं म्हणजे मला शांत प्लेअर वाटत ते शांत होता, आर्ड आउट करीत नव्हतं कोहली होणे आपल्या कोहलीत काही झालं का आर्ड आउट करते जास्त आर्ड आउट, चला हा चला हा ब्रेक झाला ब्रेक संपला, तुम्हाला वाटलं चला हा लागलं ना समजा डी मॉर्गन्स मध्ये काय असतं रे, निगेशन पी अंदर वाला एंड है तो और बनेगा निगेशन क्यू, निगेशन पी अंदर वाला और है तो एंड बनेगा निगेशन क्यू, ये पहले माहिती की नहीं चार कर चल इकडे कंडिशनल कडे ये माहिती की नहीं, हां पी प्लस क्यू इज लॉजिकली इक्वल टू निगेशन पी और क्यू, और ये इक्विवेलेंट होता है इसके काउंटर पॉजिटिव से बाय कंडीशनल, हां ये तो समझ में आता है, बाय कंडीशन में क्या होता है पी इफ एंड ओनली क्यू, P implies Q and Q implies P, ये तो clear है, ये इसका logical equivalent है बताया था मैंने, और P implies Q किसके बराबर का होता है negation P और Q के,
और ये किसके बराबर होता है? नेगेशन क्यू और पी के, इसी का इस्तेमाल किया है ना यहाँ पे, तो ये भी हमें पता है। चलो वो किसी उड़ा ले सा निवळ काय करेत ना, सा निवळच आहेत ना म्हणजे, आता किती उरले फक्त पाच। मी हे यासाठी म्हणतोय की मी जेव्हा लॉज विचारलं उद्याच्याला तेव्हा मी हाणणार आहे का नाही आले ते असं करायला म्हणजे तुम्हाला आता समजा सहा बेकार आहेत ना, पाच लक्ष ठेवायला समजा जर नाही आले पाच तर मग नाही आणलं तर मग ते तुमचा अपमान होईल पटके पाहिजे। चला आणखी याच्यात सोपं करतो बरं का, म्हणजे आणखी कमी राहते। आठवा आठवा आठवण कोण म्हणते ते आठवण सांभाळ। हे तर नाव घाण दिले मला, काय माहित नाही याला इन्व्होल्युशन यांना म्हणावं वाटलं। मी काय नावाच्या जास्त हिस्ट्रीमध्ये गेलो मी काहीतरी असा ना अर्थ उमेद देत नाही काही नावाचे, पण इन्व्होल्युशन असं वाटतं रिव्होल्यू काहीतरी काय ते म्हणजे होमो सेपियन सेपियन वगैरे वाला असं काहीतरी रिव्होल्युशन व्हायला। इन्व्होल्युशन काय गरज आहे? निगेशनचं निगेशन स्टेटमेंट दिसत, ट्रूचं निगेशन फॉल्स आहे, फॉल्सचं निगेशन ट्रू आहे, एवढं सांगण्यासाठी एवढं खान नाव वापरतो इन्व्होल्युशन। पण लक्षात आलं तुमच्या, आता तुम्हाला लक्षात ठेवायचं इन्व्होल्युशन हे नाव तुम्हाला रिझन मध्ये घ्यावं लागतं कुठं, जिथं तुम्ही वापरता कि तुम्ही निगेशनचं निगेशन स्टेटमेंट दिसत लिहिले तर रिझन मध्ये लिहायचं सिन्स बाय इन्व्होल्युशन लॉ। कळते हा? सिन्स बाय बोर्ड गेले बघा, सिन्स बाय इन्व्होल्युशन लॉ। हा तर इन्व्होल्युशन म्हणजे काय आहे? पहिले बाय लॉ आहे का? नाही। निगेशनचं निगेशन स्टेटमेंट दिसत, ट्रूचं निगेशन फॉल्स, फॉल्सचं निगेशन ट्रू, एवढं सांगण्यासाठी हे नाव वापरले इन्व्होल्युशन। कळते? चला याचा विषय संपला। चला कॉम्प्लिमेंट, ए कॉम्प्लिमेंट आयडेंटिटी ऍब्सॉर्प्शन आयडेम्पोटेंट, बस किती राहिले? चार। हे चार खरे याच्यामध्ये पण कॉम्प्लिमेंट आणि आयडेंटिटी आणखी सोपं करतो। जर तुम्ही सेट थेरी शिकलेला असताल, इफ अगर आपल्याला सेट थेरी नाही पडाले तो सोडतो, तो कॉम्प्लिमेंट क्या होता है बेटा? आप कॉम्प्लिमेंट लॉ को याद कैसे रखेंगे? कोई भी एक स्टेटमेंट है आपके पास, कोई भी एक स्टेटमेंट है और उसके निगेशन को आप और से या एंड से खुद के साथ में जोड़ रहे हो, तो उसको कहा गया कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब सवाल ये है कि उसका नतीजा कैसे याद रखना है, तो इसमें से कोई भी चीज याद नहीं रखनी है, समझ के बेसिस पे लिखना है। हा? तो कॉम्प्लीमेंट लॉ पर सिर्फ नाम याद रखना है कि कॉम्प्ली क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ में होता क्या है, आपके पास एक स्टेटमेंट है उसके निगेशन को आप जोड़ रहे हो एंड से या फिर और से। क्या कहा मैंने? आपके पास एक स्टेटमेंट है उसके निगेशन को आप एंड से या और से जोड़ दे। अब एक स्टेटमेंट है तो उसकी कितनी संभावनाएं है? दो ही होगी, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो दो संभावनाएं के साथ में चलेगा एक स्टेटमेंट, उसका निगेशन क्या होगा? अगर पी ट्रू है तो निगेशन पी क्या बनेगा? फॉल्स। और ये फॉल्स है तो ये क्या बनेगा? ट्रू। अब आप मुझे बताइए किसी स्टेटमेंट को उसके निगेशन के साथ में एंड से जोड़ेंगे तो क्या मिलने वाला है नतीजा? ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा? फॉल्स एंड ट्रू क्या होगा? मतलब किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी स्टेटमेंट को उसके निगेशन के साथ एंड से जोड़ा जाए तो नतीजा फॉल्स बनने वाला है, चाहे वो स्टेटमेंट ट्रू रहो या फॉल्स रहो, पूरा नतीजा क्या आएगा? फॉल्स। त्याच्यावरती जास्त नाही सोडायचं। तुम्हाला कळतंय का? कोई भी स्टेटमेंट उसको आप जोड रहे हो उसके निगेशन के साथ में एंड से तो नतीजा फॉल्स ही आना है। हे जर लक्षात राहत असेल तर लय चांगलं, नसेल राहत दोन मिनिटात बाजूला घ्यायचं आणि करून पाहायचं। कळतंय का? लय वेळ लागणार आहे का? नाही। मग पी हे तसं प्रॅक्टिस ना तुम्हाला कळणार आहे। हे बघा असं मी कळतच नाही डोक्यामध्ये की अँड सोबत काय होतं रे, दोन्ही ट्रू असतील तर ट्रू यावं लागेल ना। आप एक स्टेटमेंट ले रहे हो वो ट्रू रहेगा तो उसका निगेशन फॉल्स रहेगा, और एंड से जोड़े तो फॉल्स ही आना है। कहते क्या कहीं जन नुस्त बात है आता
एक स्टेटमेंट है उसका निगेशन, इसको जोड़ा है और से, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, म्हणजे एखाद्या स्टेटमेंटला त्याच्या निगेशन सोबत जोडलं और न, तर काय येणार नतीजा, म्हणजे अख्खं स्टेटमेंट ट्रू झालं आहे. हे जे कंपाउंड स्टेटमेंट आहे, एक स्टेटमेंट त्याचं निगेशन त्याला जोडलं और न, अख्खं स्टेटमेंट काय झालेलं आहे, ट्रू झालेलं आहे. अख्खं स्टेटमेंट काय झालं, फॉल्स. याला नाव काय दिलं त्यांनी, कॉम्प्लिमेंट. कॉम्प्लिमेंट काय म्हणलेलं आहे, कारण एखादं स्टेटमेंट आणि त्याचं निगेशन त्यांना, म्हणजे एखाद्या स्टेटमेंटच्या निगेशनला असं कॉम्प्लिमेंट म्हणलं जाऊ शकतं, सेट थेरीशी जर रिझेम्बलन्स केला तर. काय तुम्हाला सेट थेरीज माहीत नाही म्हणलं, तुम्ही असंच पाहणार गाडी करत नाही. कळलं तुम्हाला कॉम्प्लिमेंट लॉ? मग कॉम्प्लिमेंट मध्ये काय लक्षात राहणार, एक स्टेटमेंट दिलेले त्याच्यासोबत त्याचं निगेशन जोडलं ऍड न किंवा ऑर न, ऍड न जोडलं विषय संपला, फॉल्स. ऑर न जोडलं कळते, त्याचं नाव काय, कॉम्प्लिमेंट. चला परत पहिल्याकडे बघू, कुठं, इन्व्होल्यूशन. लक्षात ठेवण्यासाठी इन्व्होल्यूशन म्हणजे काय, निगेशन टू निगेशन स्टेटमेंट, निगेशन टू टूचं निगेशन फॉल्स, फॉल्सचं निगेशन टू, त्याला म्हटलं इन्व्होल्यूशन. कॉम्प्लिमेंट मध्ये काय केलेले, एक स्टेटमेंट आहे त्याच्यासोबत त्याचं निगेशन जोडलेलं ऍड न किंवा ऑर न, तो नतीजा क्या आ रहा है वो समझना है. किसी भी स्टेटमेंट को उसके निगेशन के साथ एंड से जोड़ते हो तो नतीजा आएगा फॉल्स, किसी भी स्टेटमेंट को उसके निगेशन के साथ और से जोड़ते हो तो नतीजा आएगा ट्रू. ठीक है, हो गया ये आइडेंटिटी के बारे में. माना तुम्हें सांगा एडिटिव आइडेंटिटी का है, इकडे पडलं होतं मार्क, मी मला एक मार्क तर गायब कुठं झाला, मार्क होतो तिथून गेलो काय म्हणतो मार्क होतो. माझ्या प्रश्नाचं उत्तर नाही दिलं तुम्ही, ऍडिटिव्ह आयडेंटिटी कोणती असती नंबर्स मध्ये, मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी. याचा अर्थ तुम्हाला आयडेंटिटी दार माहित नाही, मी म्हणतोय की नंबर्स मध्ये ऍडिटिव्ह आयडेंटिटी कोणता नंबर असतो, झिरो असतो, हे लॉजिकली लगेच कळतं आपल्याला, म्हणजे तसं असू शकते. रिझन सांगते, आणि मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी काय असते, कारण लक्षात ठेवा आयडेंटिटी आपण त्याला म्हणतो, आयडेंटिटी आईना होत आहे. आयडेंटिटी काय होत आहे, आईना होत आहे. ऍडिशन के लिए आयडेंटिटी कौन है, देखो आईना क्या करता है, आदमी को उसकी उसका मतलब असलियत तो नहीं बोल सकती, उसको खुद का चेहरा बताता है. तो एडिशन नाम के ऑपरेशन में होता क्या है, जीरो जो है वो आईने का काम करता है, आइडेंटिटी का काम करता है. कैसे, कि आप किसी भी नंबर को जीरो के अंदर ऐड कर दो तो वही नंबर आपको आगे मिलता है, मतलब जीरो हो गया आईना, नंबर उसके सामने है, वही नंबर आपको आगे दिखाई देगा. जीरो को छोड़ के कोई और नंबर लेंगे तो और दूसरा नंबर आएगा, तो इसलिए जीरो को कहा गया है एडिटिव आइडेंटिटी, कि एडिशन नाम के ऑपरेशन में अगर आप जीरो के अंदर कोई भी नंबर ऐड करते तो वही नंबर मिल रहा है, इसलिए जीरो बन गया एडिटिव आइडेंटिटी. वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर वन से मल्टीप्लाई करते हो तो आगे वही नंबर मिलता है, तो वन हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. अब बात यहां पर क्या आ रही है, आइडेंटिटी लॉ. तो जाहिर सी बात है कि आइडेंटिटी लॉ जो है, तो हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स, ये जो दो विकल्प है हमारे किसी भी स्टेटमेंट के लिए, उसको हम लोग एंड और के साथ जोड़ के देखेंगे. कोई भी एक स्टेटमेंट लेते हैं, जैसे पी स्टेटमेंट है. अब इस पी स्टेटमेंट को आपने एक बार फॉल्स के साथ में जोड़ दिया और एक बार ट्रू के साथ में जोड़ दिया, किससे, और से. फिर एक स्टेटमेंट को आपने पी स्टेटमेंट को एक बार फॉल्स के साथ जोड़ दिया, एक बार ट्रू के साथ में जोड़ दिया एंड से, तो नतीजा क्या निकलने वाला, मतलब समझिए. अब हो क्या रहा है, आपके पास एक स्टेटमेंट है पी जिसके दो विकल्प है आपके पास, ट्रू और फॉल्स, लेकिन आप एक दूसरा स्टेटमेंट ले रहे हो जिसका सिर्फ एक ही विकल्प है आपके पास, फॉल्स. फॉल्स, समझ रहे हो बात को, अगर मैं पी को फॉल्स के साथ जोड़ रहा हूं तो मतलब दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स ही है, स्टेटमेंट भी बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि उसका नतीजा फॉल्स ही है.
तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टेटमेंट है उसको फॉल्स के साथ में जोड़ रहा हूँ। तो मेरे पास एक स्टेटमेंट है, मैंने उसको फॉल्स के साथ जोड़ दिया। किससे जोड़ा मैंने? और से जोड़ा। एक बार मैं और से जोड़ रहा हूँ, एक बार एंड से जोड़ रहा हूँ, तो मुझे नतीजा क्या मिलने वाला है? तो अगर मैंने फॉल्स को, अब जाए देखो टी और एफ क्या आएगा, एफ और एफ क्या आएगा, एफ, मतलब वही स्टेटमेंट अगेन रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो अगर आप फॉल्स, और यहां देखो एंड जो लॉजिकल कनेक्टिव है, फॉल्स को P के साथ में जोड़ रहा हूँ एंड से, तो T एंड F क्या होगा? F. F एंड F क्या होगा? F. तो देखो हो क्या रहा है, किसी स्टेटमेंट को आपने और से जोड़ दिया F को, तो आपको क्या मिल रहा है? वही स्टेटमेंट रिपीट हो रहा है। और P एंड F क्या हो रहा है? F आ रहा है। अब यहाँ देखिए, एक स्टेटमेंट है उसको आपने ट्रू से जोड़ दिया, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, ट्रू और ट्रू क्या बनेगा? ट्रू। और फॉल्स होगा तो फॉल्स और ट्रू क्या बनेगा? ट्रू। तो किसी स्टेटमेंट को आपने ट्रू से जोड़ दिया और से, तो नतीजा ट्रू स्टेटमेंट निकलने वाला है। गलत है क्या? नहीं गलत है, नहीं समझ में आया? ये पर आइडेंटिटी लॉ के अंदर आपके स्टेटमेंट को जोड़ा जा रहा है या तो फॉल्स है ट्रू के साथ में, जैसे जीरो और वन होता है वैसे फॉल्स है ट्रू के साथ में जोड़ा जा रहा है। किसी स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए और या एंड का इस्तेमाल करेंगे, तो सीधा दिमाग में बस ये बात रखनी है, जैसे एक स्टेटमेंट को मैंने और के साथ जोड़ दिया फॉल्स स्टेटमेंट के साथ में। अब इसकी दो पॉसिबिलिटी है, टी और एफ क्या बनेगा? अगर ये ट्रू होता है तो ट्रू और एफ क्या बनेगा? ट्रू बनेगा कि अरे टी और एफ क्या होता है? टी होता है। और एफ और एफ क्या होता है? एफ ही होता है। मतलब स्टेटमेंट को ही रिपीट कर रहा है ना वो, अगेन स्टेटमेंट को ही रिपीट कर रहा है कि नहीं है? तो ये क्या बन गया, ये आइडेंटिटी बन गया है कि नहीं? लाइक जीरो आपने इसके अंदर इसको ऐड कर दिया लेकिन इसी को रिपीट दे रही है। आ रही बात समझ में? अरे चल बोलू ना कमाए कर तो कर नहीं क्या बोल? पी और एफ ए, हाँ भैया तो फिक्स है, हाँ फॉल्स से तिकड़ कहीं उदे, ये फॉल्स है बरोबर है, हा ट्रू ही असू शकतो फॉल्स ही असू शकतो। मग जर हा ट्रू असेल तर ट्रू और फॉल्स काय येणार आहे? फॉल्स और फॉल्स काय येणार आहे? फॉल्स। म्हणजे ह्याचा कंप्लीट नतीजा काय येणार आहे? एक तर ट्रू नाही तर फॉल्स। मग तोच तर पी पी रिप्रेझेंट करतोय ना, म्हणून त्याला तुम्ही पी म्हणताय। पी एफ एफ, पण तेच तुम्ही त्याच स्टेटमेंटला अँड न जोडलं फॉल्स सोबत, तुम्हाला फॉल्स अँड फॉल्स भेटणार आहे, म्हणून तुम्ही इथं काय लिहिलं? फॉल्स। मग आता इथं पहा, पी ऑर टी आहे तर ट्रू ऑर ट्रू? ट्रू। पीची वाली फॉल्स घेतली, फॉल्स ऑर ट्रू पण ट्रूच आहे ना, म्हणजे पी ऑर टी काय झालं? आता इथं काय होणार आहे? पी अँड टी, पी जर ट्रू आहे तर ट्रू अँड ट्रू, ट्रू फॉल्स अँड ट्रू फॉल्स, म्हणजे पी ला रिपीट करते परत। लक्ष देते हा, ह्याला काय म्हटलेलं आहे? आयडेंटिटी। बघ आयडेंटिटी लॉ कोणता आहे? एखाद्या स्टेटमेंट सोबत फॉल्स किंवा ट्रू येणे और किंवा एंड सोबत, त्याला म्हटलेले आयडेंटिटी। आणि कॉम्प्लिमेंट कुणाला म्हटलेले? एखाद्या स्टेटमेंट सोबत त्याच स्टेटमेंटचं निगेशन येणं अँड किंवा ऑर ला जोडून। कळते हा फरक? तर इन्व्होल्युशन, आयडेंटिटी, कॉम्प्लिमेंट, फरक कळला? आता राहिले फक्त दोन, ऍब्सॉर्प्शन, आयडेम्पोटेंट। आधी याचं लय वेळ झालं नाटक झाली, त्याला पहिले पाहून घ्या आयडेम्पोटेंट। बरोबर आहे? आयडेम्पोटेंट लॉ काय म्हणतो? एखादं स्टेटमेंट आहे त्याचा त्याला स्वतःसोबतच जोडलं और ना, आणि त्या स्टेटमेंटला स्वतःसोबतच जोडलं ऍड ना, तर नतीजा काय येईल? म्हणजे बघा ना, एकच स्टेटमेंट आहे त्याची पॉसिबिलिटी काय? ट्रू आणि फॉल्स। पुन्हा तेच स्टेटमेंट, तीच पॉसिबिलिटी। पी ऑर पी काय होणार आहे? ट्रू ऑर ट्रू? ट्रू। फॉल्स ऑर फॉल्स? फॉल्स। पी अँड पी? ट्रू ऑर ट्रू अँड ट्रू? ट्रू। फॉल्स अँड फॉल्स? फॉल्स। म्हणजे तेच स्टेटमेंट परत रिपीट करतो, म्हणजे दिल्ली इज द कॅपिटल ऑफ इंडिया,
और दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. मुझे किस स्टेटमेंट डाले ना पुनः. मुझे पी और पी इज पी, पी एंड पी इज पी. यार क्या बोल रहे हैं? एडम पोटेंट, एडम पोटेंट लॉ बोल रहे हैं. ठीक है, एडम पोटेंट लॉ किसको कहा गया? एक स्टेटमेंट है उसको खुद ही के साथ जोड़ दो और से या एंड से, तो वही आएगा फिर से. ठीक है, एब्सॉर्प्शन. एब्सॉर्प्शन नाम के अनुसार ही उसका काम है. एब्सॉर्ब होता है ना, स्पंज होता है, पानी को सोख लेता है अंदर. जैसे आप लोग अभी एब्सॉर्ब कर रहे हो नॉलेज को, जैसे मैं अभी इन लोगों की एक्टिविटी को एब्सॉर्ब कर रहा हूँ. टेंशन होती थी एब्सॉर्ब कर लेना. आता होगा आता. इतने गम्मत कैसी है, हाथा ढांचा कैसा है रे, इसका अरेंजमेंट कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. बाहर और है तो अंदर एंड है, बाहर एंड है तो अंदर और है. लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है? यहाँ तीन अलग अलग स्टेटमेंट है, यहाँ एक स्टेटमेंट रिपीट हो रहा है. तो जो रिपीट होता है ना वो दूसरे वाले को खा जाता है, एब्सॉर्ब कर लेता है. तो नतीजा क्या आता है? जो रिपीट हो रहा है वही नतीजे में आएगा, जो रिपीट हो रहा है वही नतीजे में आएगा. आ रही बात समझ में? तुम्हाला वाटत असेल काही फेकू राहिला तर तुम्ही ट्रूथ टेबल तयार करून पाहू शकता. कळतंय का? ट्रूथ टेबल कसा करणार? पी क्यू, त्याच्यानंतर पी अँड क्यू, आणि पुन्हा पीच पी ऑर पी अँड क्यू. इथले तर प्रूव होऊन जाईल कोबा. हा जो नतीजा आहे हा ह्याच्याशी बराबरी करतोय का नाही? केली, विषय संपला. पण आता हे लक्षात कसं ठेवणार तुम्ही? लक्षात कसं ठेवणार? तर हे डिस्ट्रीब्युशन सारखं दिसतं पण याच्यामध्ये स्टेटमेंट रिपीट होत असतो. जर स्टेटमेंट एकच स्टेटमेंट दोनदा आला तर डायरेक्ट नतीजामध्ये तोच लिहायचा, जर बाहेर अँड आतमध्ये ऑर किंवा बाहेर ऑर आतमध्ये अँड असेल तर. म्हणजे ठेवण कशी आहे? डिस्ट्रीब्युशन की जशी ठेवण आहे. आपण म्हणत नाही का, समजा आपल्या इथे बोलायची भाषा नाही का, म्हणजे तोंडाचा माठ नाकाडोळ्याची ठेवण असं बोलत नाही का आपण? स्ट्रक्चर, ढाचा, फ्रेम, कळत का तुम्हाला? तुम्ही इतरचेच आहे का? तुम्ही असं रिॲक्ट करता का? कुठल्या तरी एकदा दुसऱ्या राज्यातून आलेले, तुम्हाला इतरचं काही माहिती नाही आहे. तुम्हाला मराठी येते का? तुम्हाला कळत का मराठी बोलू? मराठी भाषा जपा जरा, मराठीत बोलत जा, नका शायनिंग आणायचं, इंग्लिश समजून घ्या तुमची बरी आहे. कळतंय का? हे डोक्यातून काढून टाका, इंग्लिश बोलणं म्हणजे शहाणपणाचं लक्ष नाही. एखादा बिनकामाची इंग्लिश हाडत असून समजून घ्यायचं, आतून अत्यंत दरिद्र आहे त्याच. नाही तुम्हाला मी साध सरळ गोष्ट सांगतो, जो खरं अत्यंत इंटेलेक्च्युअल माणूस आहे ना, हुशार आहे, तो इंग्लिश शहाणपणा राजीतच नाही. त्याला माहिती ती निवळ भगार भाषा, म्हणजे भाषा आहे ती नुसती. सगळ्या भाषेचा उगम संस्कृत पासून झालेला आहे की नाही? सगळ्यात प्राचीन पुरातन आपण आहे, बरोबर आहे की नाही? सगळ्या भाषा आपल्यापासूनच निघालेल्या आहेत, काय आला आपण त्यांची शायनिंग घेऊन आणतो. इंग्रजी भाषा जिला काही कुठंच विषय नाही, एकीकडे पुट मारायचं दुसरीकडे कट मारायचं, काय अर्थ आहे त्याला? एक तर कुट मारलं नाही तर पट मार, काहीतरी काहीतरी एक खरं नव्हतं. आपल्या भाषेत तसं आहे का? आपल्या भाषेत किती क्लिअर कटपणा आहे. माझं म्हणणं हे हे बघा, दुसऱ्याला हे खरं सांगतो, आपण आपलं स्वतःचा अपमान करतो, दुसऱ्याला भारी समजणं सोडून द्या. आपल्या लोकांचं झालंय काय मला कळतच नाही. उग तुम्ही जर कधी बाहेर मार्केटमध्ये हिंडले ना, अत्यंत रद्दी इंग्लिश आहे बघा आपल्या लोकांची. इतकी रद्दी इंग्लिश आहे ना, बरं हाणते मी अशा ठिकाणी ज्याला काही कळत नाही. आणि त्याच्यात जे अर्धी पण हिंदी मिक्स करणार, एक तर बोलायचं ना आज खालीत बोल पूर्ण, नाही तर बोलूच नको ना. तुला येते ना पूर्णच बोल, नाही तर बोलूच नको. अरे यार वो फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, मध्येच इंग्लिश बोलायचं मध्येच हिंदी, असे धरून मला
घड इंग्लिश ली घड मराठी ली तुम्हाला ए पण ह्याच्यातून काय दाखवायचं असतं मी किती हुशार आहे कळते का ह्याच्यातून पागल दिसते अरे तू लय हुशार आहे ना तू जाऊन रॉकेट सायन्स अभ्यास कर इलॉन मस्क हातभार लावतो एकटाच लढू लागला त्याला जायचंय मंगळावरती कर घ्यायची फुल फुलाची बाकी तुझं येऊन हे हा निवळ चाललेला फालतूपणा आहे याच्यातून कुणाच्याही बुद्धिमत्तेचं मोजमाप होत नाही तुम्हाला मी सांगतो मला तसं जर तुम्ही इंग्लिश बोलायला लावलं 5 मिनिटं तर मला लय एफर्ट्स घ्यावे लागतील पण मी हे बा नाही शिकू शकत का शिकू शकतो पण मला त्याच्यात अजिबात असं अप्रूप वाटतच नाही ना पहिल्यापासून म्हणजे आपल्या इकडच्या भागामध्ये एखाद्यानं सूट पॅन्ट घातला टाय वगैरे असं लावून आलं तर आपल्याला वाटतं शाना मागून ऍक्च्युली तो मूर्ख आहे त्याला कळत नाही कुठं काय घालावं आपण उष्णकटिबंध प्रदेशात राहणारे लोक आहे आपल्या इथं कसा पेहराव असला पाहिजे म्हणजे कसं आहे आपण अनुकरण करण्यामध्ये मी तुम्हाला ह्याच्यासाठी सांगतोय की तुम्ही आज पुढचे भारताचे पिलर्स आहे तुम्हाला अक्कल पाहिजे तुम्ही कुणाचं अनुकरण करताय ज्यांना स्वतःला राहायची अकली नाही इतके कळते का असं करू नका आपल्याकडं तुम्हाला माहिती का स्वामी विवेकानंद अमेरिकेत गेले होते त्यांच्या राणी मान्यावरून त्यांना बोलले त्यांना भरपूर गोष्टीबद्दल बोलले त्यांनी असे असे उत्तर दिले ना ते शांत राहिले त्यांना कळलं नाही काय बोलाय माणसं कळते का आपल्या गोष्टी खूप उच्चतम आहेत त्याला समजून घ्या त्याला त्याला बनवा अरे बाहेरचे लोक त्या बाहेरच्या लोकांना आपल्या गोष्टीत अप्रूप वाटतं आणि आपण काय काही मी म्हणलं ना म्हणजे नुसतं दिखाव्याच्या दुनियेमध्ये आणि काही जणांना इंग्लिश गाणे बी ऐका वाटते बळद तुरी बा ते ठीक आहे की एखादं आपल्याकडे जे झालेलं आहे ते बाहेरच्या लोकांना कळावं शेवटी गीता बीता इंग्लिशमध्ये लिहिलीच आहे ना त्या लोकांना कसं कळत की बाबा आपल्या इथलचं काय ग्रंथ संपदा आहे किंवा कुठलाही आणखी ग्रंथ असतील आपल्याकडे मूळ मुद्दा माझं हे सांगणे की ते काहीतरी भारी आहे म्हणून आपण त्याचं अनुकरण करणं हे अत्यंत चुकीचं आहे आपल्या बुद्धिमत्तेच्या कसोटीवर बसत असेल तर त्याला अनुकरण करण्यापेक्षा समजून घ्या तुमच्या जीवनात आत्मसात करा इंग्लिश भाषा खरंच करायचं आहे ना तर पांडित्य आणा त्याच्यामध्ये इंग्रजांना लाज वाटली पाहिजे झालं आपल्याला तर एवढी येत नाही म्हटली पाहिजे कळतंय का उगत असलं शायनिंग आणण्यासाठी आणि मला मला तर इतकं म्हणजे इतका वैताग आलेला नाही गोष्टीचा मार्केटिंग फिरताना विनाकारण कुठं बी गेलं ना अर्धवट इंग्लिश अर्धवट हिंदी आता पण आम्ही किती हुशार आहे तुम्ही तरी किमान आहे तुम्ही बाहेर कळते आणि कुठं बी गेलं ना समोरचे लोक मुद्दाम तुम्हाला डॉमिनेट करायचा प्रयत्न करतात बरं का इंग्लिशमध्ये बोलून आपण त्यांना डॉमिनेट करायचं मराठीत बोलून आपण स्वतःला कमी समजायचंच नाही मी तुम्हाला सांगतो हे एक लक्षात घ्या आजकाल इथून पुढचे सगळे जनरेशन इंग्लिश मीडियम शिकायले आपण घरी गंज मराठीमध्ये बोलतो शिवी निकल निघाली तर मराठीतून निघाल आपण किती इंग्लिश शिकूया राग आले तर आपण इंग्लिश शिवून देऊ नाही शकत म्हणजे नाही माझं म्हणणं काय मी याच्या एवढ्यासाठी सांगतोय हे बघा कसं असतं माहिती का ओरिजिनल ओरिजिनल असते तुम्ही कोणत्याही भाषेत ज्ञान घ्या काही घ्या पण तुम्ही जर कमी बुद्धीचे असाल तर तुम्ही प्रदर्शन करणार तुमच्या या असल्या फालतू गोष्टी तुम्हाला अप्रूप वाटणार इंग्लिशमध्ये बोलण्याचं अजिबात नाही मूर्खपणा आहे आणि तुम्हाला सांगतो ज्ञानाला भाषेचं बंधन नसतं ज्ञानाला भाषेचं बंधन नसतं तुम्हाला एखादी भाषा येत नाही म्हणून तुमचं विद्वत्ता कमी होत नाही लक्षात आलं का तुम्ही विद्वान असाल तर विद्वानच राहणार उलट लोक तुमच्यासाठी भाषा बघितली शिवाजी महाराजांनी सगळ्यात पहिल्यांदा काम केलं होतं ते आपली डिक्शनरी बनवायचं लक्षात आलं का फारसी भाषेचा वापर करणार नाही म्हणले आपल्या भाषेचा वापर करायचा मराठी प्राकृत भाषेचा वापर करायचा म्हणले आणि ते काम केलं होतं का कारण त्या माणसाला माहिती होतं की बाबा ह्या आपल्या भाषेचं महत्त्व काय असतं लक्षात येते का म्हणून ह्या गोष्टी छोट्या असतात पण मला ह्या गोष्टीचं का मी तुम्हाला का सांगतोय मला खूप ठिकाणी ना लोकांचं कमी कॉन्फिडन्स जाणवतं माहिती का या बाबतीत गावातले लोक निभर असते ते मोजीतच नाही कुणाला तुम्ही त्यांच्याजवळ शायनिंग मारून पाहते 2 मिनिटं तुम्हाला गाड करते
अजिबात नाही ते तुम्ही तुम्ही जर समजा चुकून तुमच्या गावाकडे वगैरे गेले ना तिथं नाटक करायला लागले तुम्हाला जागेवरच आणले ते कळलं का कारण ते कॉन्फिडन्सच वेगळा राहतो त्या अजिबात कुणाला असं बाहेर आलं त्यांचा कॉन्फिडन्स कमी होत नाही आपल्या अशा मोठमोठ्या ठिकाणी जाऊन आणि हे करून हॉटेलला जाऊन त्यांच्याच पद्धतीने जेवणार ते तुम्ही फाईव्ह स्टारमध्ये मी नात यायला ते आलंच कॉन्फिडन्स आहे आपल्या आणखी बी आजी आम्ही ज्या बघा त्या मुजीत नाहीत कोणाला मी त्या दिवशी पहिले हॉस्पिटलमध्ये होतो एक अशा आजीबाई होत्या चांगलं वय असून पण काटक होत्या जुन्या काळातलं कॉन्फिडन्स सगळ्या त्यांना काही घेणं देणं नाही तुमच्याशी तुम्ही असं काय सोफिस्टिकेटेड पण हे धरले म्हणे हे तर बिलाचं बघ म्हणे काय ते म्हणजे ओरिजिनॅलिटी ना ती ते असे नाटकं नाहीत करत ते बिनकामाची ते तर तुम्ही व्यवस्थित सुविधा द्या आणि त्याला कळत नसेल ना ते तुमचे सगळे रूल्स फाट्यावर मारतात त्यांचे त्यांचे काम करतात तसंच पाहिजे ना तुम्ही एखाद्या मोठ्या ठिकाणी गेले उगं सोफिस्टिकेटेडपणाने इंग्लिशमध्ये बोलणार आणि हे करा नॉलेज असावं पण का प्रदर्शन चालू आहे आपल्या भागात राहत असताना आपल्या गोष्टी पाहिजेत की नाही मी काय कोणतं मनसेचा कार्यकर्ता विरोध करतो नाही मला काही घेणं तुम्हाला वाटलं मराठी मुद्द्यावर बोल मला काही घेणं नाही मला एक कळतं की ज्ञान असलेले लोक सुद्धा का सुकडून बसतात हे सो कॉल्ड इंग्लिश बोलण्याविषयी अजिबात नाही आपण आपली मराठी बोलत त्यांच्या समोर तू बोल इंग्लिशमध्ये आपण मराठीत उत्तर द्यायची का झाले सगळे नियम या नियमांच्या आधारावरती आपल्याला एक्झाम्पल सोडवायचे हे नियम तुम्ही लिहिलेत का नाही लिहिले लिहून घ्या आणि आपण उद्याच्या लेक्चरचे क्वेश्चन सॉल्व करू उद्या म्हणजे परवा रेग्युलर टाइमिंग होता